हेलो जी, है नमस्कार। कैसे हैं आप लोग और एक कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारियां? तो राजस्थान आरएस परी का ये मॉक टेस्ट नंबर 2 है, यानी जो एक टेस्ट पहले किया था ये दूसरा टेस्ट है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस कवर करेंगे इसमें, तो जो भी स्कोर बने वो कमेंट करके बता देना। और पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम पे मिलेगी, जिसका लिंक है प्रहलाद सारण सर के नाम से, राइट। तो चलिए करें शुरुआत क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला है कि 2023 में राजस्थान सरकार के द्वारा आयोजित महंगाई राहत कैंप में कौन सी योजना सम्मिलित नहीं थी? राजस्थान सरकार ने हाल ही में महंगाई राहत कैंप है वो शुरू किए थे, इनमें अलग अलग योजनाएं थी, तो इनमें से कौन सी योजना है जो इसमें शामिल नहीं की गई थी? मुख्यमंत्री गैस सिलेंडर गारंटी कार्ड योजना, ये तो मेन थी, है ना, तो ये तो है ही साथ में। दूसरी, मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना, ये भी काफ़ी चर्चा में रही थी, तो ये भी है। तीसरी, युवा संबल योजना को शामिल नहीं किया गया था, और मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना भी इसमें शामिल थी, तो कौन सा सही हो जाएगा? 3 नंबर ऑप्शन जो है वो नहीं था, बाकी सारे सही हैं, तो 3 आपका सही है। अगला है कि हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने किस वन्य जीव अभ्यारण्य में जंगल सफारी का उद्घाटन किया था? राजस्थान में ही कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य है जिसमें जंगल सफारी का उद्घाटन किया गया था? ये शुरू हुई थी जयसमंद अभ्यारण्य में, और जयसमंद अभ्यारण्य वो कहाँ पर है? उदयपुर में है, ठीक है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 1 आपका सही है। सारे याद रखना, क्वेश्चन इंपोर्टेंट ये भी आया हुआ कि रामसागर अभियान कहाँ पर है? धौलपुर में। रामगढ़ विस्तारी अभियान कहाँ पर? बूंदी में। फुलवारी की नाल अभियान कहाँ पर है? उदयपुर में। फुलवारी की नाल अभियान को लेकर एक नदी वाला क्वेश्चन और बहुत बार आता है, मानसी वाकल नदी का उद्गम किस अभियान से होता है, बहुत बार पूछते हैं ये भी। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 1 सही है। और एक उदयपुर में जयसमंद झील थी, याद रखना, याद है ना आपको, डिब्र जिसको कहते हैं, वो भी सुलंबर जिले में आ गई है, ठीक है, उदयपुर में नहीं रही है वो। राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022-23 के अंतर्गत मीरा पुरस्कार है वो किसे दिया गया, या मीरा पुरस्कार से सम्मानित किसे किया गया है? तो मीरा पुरस्कार जो मिला है वो किनको मिला है? सक्सेना जी को मिला है, रति सक्सेना जी को दिया गया है। किस पुस्तक के लिए दिया गया है? 80 एक प्रार्थना के लिए, उनकी पुस्तक है, याद रखना, 80 एक प्रार्थना के लिए मीरा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। या फिर यही क्वेश्चन नेक्स्ट टाइम पूछ लेंगे कि रति सक्सेना जी को मीरा पुरस्कार है वो किस कृति के लिए दिया गया है? तो 80 एक प्रार्थना के लिए दिया गया, राइट आंसर आपका 1 सही है। हाल ही में राजस्थान सरकार ने कुष्ठ रोग मुक्त विशेष योग्य जनों को मिलने वाली 1500 रुपये की जो पेंशन राशि थी उसको बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? ठीक है, कुष्ठ रोग से संबंधित जो विशेष योग्य जन थे उनको एक निश्चित राशि यानी सहयोग राशि दी जाती थी, पहले 1500 रुपये की दी जाती थी, और अभी उसको बढ़ा दिया गया है। यहाँ पर कितनी दी जाती है? तो अभी दी जाती है 2500। इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से पूछ लूँ कि 1500 से कितने रुपए बढ़ा दिया गया है, तो क्या कह देंगे? 1000 रुपए की राशि बढ़ा दी गई है। कुल पूछे तो 2500 हो जाएगा, अब बढ़ाने की बात पूछे तो क्या हो जाएगा? 1000 रुपए बढ़ाया गया है, राइट आंसर सी है। हाल ही में किस शहर में पुलिस प्रशिक्षण स्कूल की स्थापना के लिए मंजूरी प्रदान की गई? ये करंट अफेयर की क्वेश्चन है, 4-5 स्टार्ट, ठीक है। तो पुलिस प्रशिक्षण स्कूल ट्रेनिंग स्कूल की स्थापना जो हुई है वो किशनगढ़ में हुई है। किशनगढ़ कहाँ पर है? अजमेर में। 1 आपका सही है। हाल ही में राजस्थान उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? हाईकोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश बने हैं वो जॉर्ज मसीह बने हैं, ठीक है, ऑक्सटोइन जॉर्ज मसीह जो है इन्हें राजस्थान का उच्च न्यायाधीश बनाया गया। इससे पहले पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट जो संयुक्त हाईकोर्ट है ना वहां के थे, पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के थे पहले। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी है, वो सही है। मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना 2023 के बारे में इनमें से कौन सा कथन आपको सही नहीं लग रहा है? आराम से पढ़िए, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, और आराम से पढ़ के आंसर देना है। पहले कि इस योजना से 20 लाख से अधिक पशुपालकों को लाभ होने की अपेक्षा है, किस कामधेनु योजना से लगभग राज्य में 20 लाख पशुपालक है उनको लाभ मिलेगा, तो ये बात तो सही है। दूसरा है कि राज्य के वर्ष 2023-24 के लिए बजट में इस योजना का व्यय यानी खर्च जो है वो कितना? 750 करोड़ रुपए खर्च का प्रावधान किया गया है, तो ये बात भी ठीक है, सही है। इस योजना के तहत प्रत्येक पशु के बीमा की जो अधिकतम राशि है वो है 40,000 रुपए, सही है कि गलत है? ये भी सही है। चौथा है कि पशुपालक जिसकी वार्षिक आय 8 लाख से अधिक है, वार्षिक आय 8 लाख से अधिक है, उसे इस योजना के तहत प्रत्येक पशु के लिए अधिकतम 500 रुपये प्रति प्रीमियम देना होगा, ये गलत है, डी वाला गलत कर दीजिए, बाकी आपके सारे सही हैं। उत्तराना माइक्रो लिफ्ट सिंचाई परियोजना का संबंध कौन सी जिले से है? ये भी करंट से रिलेटेड है, और ये बूंदी में। उत्तराना माइक्रो लिफ्ट सिंचाई योजना बूंदी में है, राइट आंसर बी है। इनमें से कौन सा राज्य मानव अधिकार आयोग का कार्य नहीं है?
राज्य मानव अधिकार आयोग का काम कौन सा नहीं है? पहला है कि मानव अधिकार के उल्लंघन की स्वेच्छा से जांच करना, जहां पर भी मानव अधिकार का अगर उल्लंघन होता है स्वेच्छा से उनकी जांच कर सकते हैं, ये उनका अधिकार है, कार्य है, सही है। किसी जेल को देखना यानी जेल की जानकारी लेना, तो ये भी सही है। मानव अधिकारों की सुरक्षा का पुनर्वलोकन करना, ये भी ठीक है। मानव अधिकारों का उल्लंघन करने वालों को सजा देना, नहीं, सजा देने का काम जो है वो नहीं है। अगर कोई मानव अधिकारों का उल्लंघन करता है तो उन्हें सजा नहीं दे सकते, तो ये कौन, राज्य मानव अधिकार आयोग नहीं दे सकता, वैसे तो कोर्ट दे ही सकता है, तो ढी है आपका, गलत है। राजस्थान में ग्राम सभा है वो किससे मिलकर बनती है? बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, सारे जानते हो इसका आंसर। ग्राम सभा किससे मिले, तो ग्राम पंचायत सर्किल जो होती है उसमें जितने पंजीकृत मतदाता जो होते हैं ना, यानी जिनका वोटिंग लिस्ट में नाम होता है, तो पंचायत सर्किल में आने वाले गांव, यानी एक पंचायत में जो गांव आते हैं, किसी भी एक गांव होता है, किसी भी दो गांव मिलकर, किसी कहीं तीन गांव मिलकर बनते हैं, तो उन गांव में जो पंजीकृत मतदाता है उनसे मिलकर बनती है ग्राम सभा। तो राइट आंसर सी है, बस याद रखना पंजीकृत मतदाता। ओके, सुमेलित करना, एक साइड में आपको लिफ्ट परियोजनाएं दे रखी है, दूसरे पीने के पानी की आपूर्ति जहां जहां होती है। तो पहले कंवर सेन लिफ्ट नहर, ये सबसे लंबी है इंदिरा गांधी नहर में, आप जानते हैं बीकानेर इसे लाभान्वित होता है, ठीक है। तो कंवर सेन लिफ्ट नहर से बीकानेर, बीकानेर चार नंबर पे, तो सबसे पहले आएगा आपका चार। गंदेला साहब लिफ्ट परियोजना जो है इसे किससे लाभान्वित होता है? तो साहब लिफ्ट परियोजना आप जानते हैं चूरू हनुमानगढ़ वाला एरिया आता है, तो इसमें चूरू दे रखा है तीन, तो फिर कर दीजिए तीन। राजीव गांधी लिफ्ट नहर जो है ये जोधपुर को लाभान्वित करती है, जोधपुर को, तो फिर कर दीजिए दो। और गजनेर लिफ्ट सिंचाई परियोजना है ये बीकानेर और नागौर को लाभान्वित करता है, तो नागौर ऑप्शन में है, तो एक कर दो। चार तीन दो एक, कौन सा ऑप्शन सही है? चार तीन दो एक यानी सी सही है। अच्छा, राजस्थान पर्यटन विभाग के द्वारा निम्नलिखित मेलों और उत्सव का आयोजन किया जाता है, चार उत्सव दे रखे हैं पर्यटन विभाग के द्वारा जिनका आयोजन किया जाता है, आपको तिथि के क्रम के अनुसार बताना है, कैलेंडर वर्ष के अनुसार तिथि क्रम के आधार पर बता दीजिए। तो सबसे पहले इनमें से कौन सा लगता है? जानते हो ऊंट महोत्सव बीकानेर में लगता है, सबसे पहला जनवरी में आ जाता है, सबसे पहले तीन नंबर ऊंट महोत्सव, तो पहले आएगा तीन नंबर। इसके बाद मरु महोत्सव आता है, क्वेश्चन तो ये भी बनते हैं, देखो ऊंट महोत्सव कहाँ पर होता है, मरु महोत्सव का आयोजन कहाँ पर होता है, मिलान करने वाले में भी क्वेश्चन आया हुआ है आरएस में ये, तो मरु महोत्सव जैसलमेर वाला करेंगे क्या हो जाएगा, फिर एक कर दो। इसके बाद में ग्रीष्म महोत्सव आता है, ग्रीष्म महोत्सव आता है, शरद और ग्रीष्म दोनों ही माउंट आबू में होते हैं, तो फिर चार कर दीजिए। फिर हाथी महोत्सव, हाथी महोत्सव और पतंग महोत्सव कहाँ पर होते हैं, जयपुर में, तो फिर दो कर दीजिए। तीन एक चार दो, तीन एक चार दो करेंगे तो कौन सा हो जाएगा? अच्छा, हाथी महोत्सव पहले आता है, हाथी महोत्सव पहले आएगा, ग्रीष्म महोत्सव बाद में आता है ना। चलो मैं थोड़ा सा कन्फ्यूज, सही करते हैं इसको, पहले हाथी महोत्सव आएगा, तीन एक दो करो, फिर ग्रीष्म महोत्सव आएगा, फिर चार, तीन एक दो चार वाला ऑप्शन, तीन एक दो चार, चार नंबर है, चार नंबर वाला सही होगा। तो पहले ऊंट महोत्सव एक नंबर पे, इसके बाद में आपका आएगा मरु महोत्सव, इसके बाद में आपका कौन सा आएगा, हाथी महोत्सव तीन नंबर पे, और फिर आपका आएगा ग्रीष्म महोत्सव, ऐसे करो। तो राइट आंसर इसका डी है। ओके, अगला प्रश्न है कि चौंपा नामक एक आभूषण होता है और ये शरीर के कौन से अंग में धारण करते हैं? चौंपा यानी चूंप आभूषण कह दीजिए इसको, ये चूंप यानी कह सकते हो सोने की एक मेक जड़ी जाती है, ठीक है, सोने की मेक जड़ी जाती है दांतों में, तो दांतों का आभूषण है। दांतों का एक और आभूषण होता है रखन, ठीक है, जो कि परत होती है, परत जड़ी जाती है उसे तो कहते हैं रखन, और जो मेक जड़ी जाती है उसे चूंप कहते हैं, दोनों याद रखना। अच्छा, निम्नलिखित राजस्थान की स्वतंत्रता आंदोलनकारी महिलाओं की सूची दे रखी है और दूसरी शरण में दे रखा है कि उनका संबंध किस रियासत से रहा था, अलग अलग स्वतंत्रता सेनानी महिलाओं के नाम है। तो पहले है सावित्री देवी भाटी जी, भाटी नाम देखिए आप ऑलमोस्ट समझते हो, ज़्यादा तो उदयपुर वाले एरिया से, जोधपुर वाले एरिया से होते हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले जोधपुर कर दीजिए, सावित्री देवी भाटी का संबंध जोधपुर से है, तो पहले आएगा दो नंबर आपका। भगवती देवी आप जानते हैं मेवाड़ से यानी उदयपुर से है, तो ए कर दो। लक्ष्मी देवी आचार्य जी, कैसे भूल सकते हो, बीकानेर से, जंगल प्रदेश से, चार कर दीजिए। और कुसुम गुप्ता जी हैं, उनका संबंध कोटा जी, कोटा से है, तो तीन, दो एक चार तीन, कौन सा ऑप्शन सही है, तीन नंबर आपका सही है। चलिए अलग अलग आपको राष्ट्रीय पार्क दे रखे हैं और वन्य जीव दे रखे हैं कि कौन सा राष्ट्रीय पार्क जो है वो किस जीव के लिए प्रसिद्ध है, मिलान करना है जो कि काफ़ी आसान कर देंगे। पहला है बांदीपुर, बांदीपुर आप बाघ के लिए प्रसिद्ध है, बाघ अभ्यारण्य है, तो पहले में तो आपका एक ही आ जाएगा। काजीरंगा आप जानते हैं गेंडों के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, एक सींग वाले गेंडे, एकल श्रृंग गेंडा अभ्यारण्य है, तो तीन आ जाएगा।
सुंदरवन आप जानते हैं किसे, बागे बिहार के लिए प्रसिद्ध है भी, सुंदरवन हो जाएगा जेब मंडल और बागे बिहार, तो एक कर दीजिए। और सिमलीपाल जो है अति को प्रसिद्ध है, अति बिहार है, तो सिमलीपाल के अति हो जाएगा दो कर दीजिए। एक तीन चार दो, एक तीन चार दो कौन सा ऑप्शन है, एक तीन चार दो बी वाला ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा। अगला कि राजस्थान में एक ही आंदोलन को किसने नेतृत्व प्रदान किया था, एक ही आंदोलन चला था 1921 में मातृकुंडिया से, मातृकुंडिया चित्तौड़गढ़ में है, इसे मेवाड़ का हरिद्वार या राजस्थान का दीवार कहते हैं, मोतीलाल तेजावजी है जिन्होंने चलाया था, और इन्होंने 21 मांगे रखी थी, 21 सूत्री मांग पत्र जिसे कहते हैं मेवाड़ पुकार। मेवाड़ पुकार का संबंध किससे है, क्वेश्चन आया हुआ है मोतीलाल तेजावजी से। कौन सी भील महिला राजस्थान की स्वतंत्रता सेनानी रही है, आप जानते हैं कालीबाई है, डूंगरपुर में गांव है रास्तापाल, वहां से थी है, तो रास्तापाल कांड इसे हम कहते हैं। ये घटना हुई थी 19 जून 1947 को, 21 जून को इनकी मृत्यु हुई थी, तो आपको कभी 21 जून भी मिल सकता है, ठीक है, राइट आंसर आपका एक है। राजस्थान में स्वतंत्रता सेनानी और उनके कार्यस्थल के संबंध में आपको जोड़ा दे रखा है, जो गलत है उसकी पहचान करनी है। बाल मुकुंद बिस्सा जी उदयपुर से नहीं थे, मारवाड़ से थे, राजस्थान के जतिन दास जिन्हें कहते हैं भूख हड़ताल की वजह से जिनकी मृत्यु हो गई थी जेल में। जैनन व्यास जी जोधपुर से हैं, रघुवर दयाल जी बीकानेर से हैं, हीरालाल शास्त्री जी जयपुर से जो कि जोबनेर में, अच्छा आप बताओ ये जयपुर में जोबनेर में इनका जन्म हुआ था, जोबनेर में ज्वाला माता का मंदिर पे, जोबनेर अभी कहाँ पर आता है, जयपुर ग्रामीण में है, जयपुर में है, दुदू में है, कोटपुतली में, कहाँ पर आता है कॉमेंट कर देना, इसका सही आंसर एक नंबर हो जाएगा आपका। गौरी देवी राजस्थान की किस गायन शैली से जुड़ी हुई है, गौरी देवी का संबंध है मांड गायन शैली, मांड गायन शैली पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर जैसलमेर बाड़मेर वाले एरिया में है, अल्लाह जिला बाई जो है वो भी मांड गायिका रही है, बनो बेगम है वो भी मांड गायिका रही है, राज्य गीत जो केसरिया बाला मावनी पधारो हमारा देश है वो मांड गायन शैली में ही गाया जाता है। चले गलत जोड़े की पहचान करनी है, करौली प्रजामंडल के संस्थापक त्रिलोक चंद माथुर जी रहे हैं क्या, इनसे संबंधित आते सही हैं। अलवर प्रजामंडल से हैं हरि नारायण शर्मा जी, सही है। सिरोही प्रजामंडल गोकुल भाई भट्टी राजस्थान के गांधी, सही है। बूंदी प्रजामंडल के माणिक लाल वर्मा जी नहीं है, ठीक है माने ये हो जाएगा आपका गलत, तो राइट आंसर क्या है डी है, बूंदी दूसरा प्रजामंडल था, कांतिलाल जी याद रखना, जयपुर के बाद में दूसरा प्रजामंडल जो बना था राजस्थान में बूंदी ही बना था। नेताएं नेताजी और उनके दलों की टीमों का जोड़ा दे रखा है, तो गले जोड़े की पहचान करनी है, एक साइड में नेताजी का नाम है, दूसरी साइड में कि किस दल से हैं वो। बाल केशव ठाकरे जी हैं महाराष्ट्र नव निर्माण सेना, नहीं जी राज ठाकरे हैं नव निर्माण सेना के, तो ठीक है पहले ही गलत हो गया। लालू प्रसाद यादव जी हैं राष्ट्रीय जनता दल, सही है। रामविलास पासवान जी हैं लोक जनशक्ति पार्टी, सही है। ममता बनर्जी हैं तृणमूल कांग्रेस, ये भी सही है, तो गलत हो गया पहले, ठीक है पहला ही गलत हो गया। राजस्थान में वार्षिक वर्षा की बढ़ती मात्रा की प्रवृत्ति जिस ओर है वो कौन सी, बढ़ती मात्रा, तो उत्तर पश्चिम में सबसे कम वर्षा होती है और दक्षिण पूर्व में सबसे ज़्यादा होती है, जैसलमेर वाला एरिया सबसे कम वर्षा वाला है और झालावाड़ वाला जिला सर्वाधिक वर्षा वाला है, तो दक्षिण पूर्व में सर्वाधिक होती है, उत्तर पश्चिम में कम होती है, बढ़ती जाती है तो इस एरिया में हो जाएगा, घटता पूछ लेते तो ऐसे हो जाएगा, ठीक है एक सही है। चलिए इनमें से गलत जोड़े की पहचान करनी है कि कौन सा, चार युद्धों का दीर्घ है, खातोली का युद्ध हुआ था 1517 में, बराना सांगा और इब्राहिम लोदी को हराया था, सही है इब्राहिम लोदी हार गए थे। हल्दीघाटी का युद्ध हुआ था 18 जून 1576, ये भी सही है, अगर 21 जून होता तो भी सही होता, दोनों ही डेटा आती है तो ये भी सही है। गिरी सुमेल का युद्ध हुआ था 1544 में मारवाड़ के राव चंद्रसेन और शेरशाह सूरी के बीच, नहीं मालदेव के बीच में हुआ था, मालदेव और शेरशाह सूरी के बीच में हुआ था तो ये गलत हो गया। तुंगा का युद्ध हुआ था 1787 में, ये भी सही है तो ये गलत है, याद रखना गिरी सुमेल का युद्ध हुआ था जेतरान में और जेतरान पाली में आता था, अभी ये ब्यावर में हो गया है, ठीक है चेंज हो गया है। चलिए इनमें से गलत जोड़े की पहचान करनी है, मंदिर है और सामने आपको जगह दे रखी है, पहले सूर्य मंदिर बना हुआ है ओशिया में, ओशिया पहले उपकेशपट्टनम कहते थे, अभी राजस्थान का भुवनेश्वर कहलाता है, सही है। दिलवाड़ा के जैन मंदिर आबू में, सही है। मानालेश्वर मंदिर मेनाल में, सही है। जगत श्रोवणी मंदिर अजमेर में नहीं है, जयपुर में है, तो डी गलत है बाकी सही है। राजस्थान की बोली और उनके प्रचलन क्षेत्र का जोड़ा आपको दे रखा है, जो गलत है उसकी पहचान करनी है। फिर से भिंडाड़ी बोली बोलते हैं जयपुर के आसपास के भूभाग में, यानी जयपुर दौसा केसरगंज टोंक, सही है कि गलत है गुरु लोग,
तो ये तो सही लग रहा है, पहला तो आपका सही है। हाड़ौती बोलती बोली बोलते हैं हाड़ौती में, कोटा बूंदी बारा झालावाड़ में, ये भी सही है। बागड़ी बोली बोलते हैं दक्षिण राजस्थान में डूंगरपुर बांसवाड़ा में, ऑप्शन है क्या अजमेर नागौर चित्तौड़गढ़, गलत है, ये डूंगरपुर में और बांसवाड़ा में बोली जाती है, इसे वागड़ी बोली भी कहते हैं। जॉन अब्राहम गिरियसन ने इसी बोली को भीली बोली भी कहा था। मेवाती बोली बोलते हैं मेवात में, अलवर भरतपुर करौली में, सही है, तो गलत हो गया सी आपका। चलिए आज तो काफ़ी मस्त क्वेश्चन है, भी आगे बढ़ते हैं। इनमें से गलत जोड़े की पहचान करनी है। सालिम सिंह की वैली जैसलमेर में सही है, नथमल की वैली जोधपुर नहीं है, ये भी वही है। ब्रह्मा जी का मंदिर पुष्कर में सही है, मीराबाई का मंदिर चित्तौड़गढ़ में सही है, तो गलत क्या हो गया बी आपका गलत है। राजस्थान की सबसे लोकप्रिय फड़ कौन सी है, फड़ कहाँ की प्रसिद्ध है, शाहपुरा की, ये शाहपुरा भी जिला हो गया, अभी ये शाहपुरा की है। सबसे प्रसिद्ध है बाबू जी की फड़। सबसे लंबी किसकी है, सबसे छोटी किसकी है, सर्वाधिक चित्रों वाली कौन सी है, तो देवनारायण जी के याद रखना। भैंसासुर की फड़ का वाचन नहीं होता, किस कौन सी फड़ है जिनका वाचन नहीं होता, भैंसासुर की। सबसे प्रसिद्ध किसकी है, बाबू जी की। सबसे प्राचीन, सबसे बड़ी, सबसे लंबी, सर्वाधिक चित्रों वाली कौन सी है, देवनारायण जी की है, ठीक है, तो राइट आंसर सी है। इनमें से कौन सा दुर्ग है धारवन श्रेणी का दुर्ग आता है, धारवन श्रेणी आप जानते हैं जो मरुस्थल में बनते हैं, जैसलमेर का दुर्ग, सोनारगढ़ दे रखा है, सी सही है। गणेश जी का प्रसिद्ध मेला कहाँ पर पड़ता है, त्रिनेत्र गणेश जी का प्रसिद्ध मंदिर है रणथंभौर स्वाई माधोपुर में, बी आपका सही है। इनमें से कौन सा आभूषण सिर का नहीं है, कितना आसान है, ऐसे तो क्वेश्चन हो गए तो फ्री के नंबर मिले। बोरला कहाँ पर पहनते हैं, सिर में है। टिकड़ी कहाँ पर होती है, सर में। रकड़ी कहाँ की है, सर की है। गोखरू कलाई का होता है, ये सर का नहीं है, डी हो जाएगा गलत। जिस लगभग त्रिभुजाकार महाद्वीप के आधार उत्तर और शीर्ष दक्षिण में है वह कौन सा है, यानी जिसका त्रिभुजाकार महाद्वीप का आधार है उत्तर और शीर्ष है वो दक्षिण में है, तो ऐसा कौन सा महाद्वीप आता है, तो ये तो आपका दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप आता है, दक्षिणी अमेरिका राइट आंसर सी है। एस आकृति का महासागरीय कटक कौन सा है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट आया था ये क्वेश्चन आ रहे इसमें। एस आकृति का महासागरीय कटक है मध्य अंटार्कटिक, एक हो जाएगा सही आपका। दक्षिणी गोलार्ध में पछुआ पवने है वो किस दिशा की ओर बढ़ती है, ठीक है, दक्षिणी गोलार्ध की बताने, दक्षिणी गोलार्ध में, ठीक है, दक्षिणी गोलार्ध में पछुआ पवने की जो दिशा होती है वो उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व होती है, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर होती है, डी आपका सही है। अच्छा, पवनों की पेटियों के स्थानांतरण के कारण जो पवने अन्य गोलार्ध में प्रवेश करती है, यानी एक गोलार्ध से दूसरे गोलार्ध में प्रवेश करती है, उन्हें क्या कौन सी पौने कहते हैं, उन्हें हम व्यापारिक पौने कहते हैं, व्यापारिक पौने, बी आपका सही, ये क्वेश्चन भी आया था ऐसे पहले। अच्छा, तंतु प्रकाशिका संचार में संकेत किस रूप में प्रभावित होते हैं, यानी प्रकाश तरंग के रूप में होते हैं, रेडियो तरंग या सूक्ष्म या विद्युत तरंग, तंतु प्रकाशिकी संचार में संकेत प्रसारित होते हैं वो हमेशा प्रकाश तरंग में होते हैं, एक सही है। मनुष्य के लिए मानक ध्वनि स्तर जो होता है वो कितना होता है, तो 90 डेसिबल का होता है, ध्वनि किससे मापते हैं, डेसिबल से, राइट आंसर एक है। अच्छा, जैव विविधता दिवस कब मनाते हैं, ये भी क्वेश्चन आया था, 29 दिसंबर, और भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम है वो किस वर्ष लागू हुआ था, ERS में भी आया था, वीडियो वाले में भी आया था, CET वाले में भी क्वेश्चन था, 1972 का है, सी सही है। इनमें से कौन सी भारत में बाघ संरक्षित परियोजना नहीं, आसान है, दुधवा है, चिल्का नहीं है, काना भी है, मानस भी है, तो कौन सी नहीं, चिल्का नहीं है। राजस्थान के किस प्रदेश में एंटीसोल समूह की मृदा पाई जाती है, नई वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर राजस्थान में जो 5 मिट्टियाँ आती है उनमें एंटीसोल पश्चिमी राजस्थान में है, पश्चिमी राजस्थान की मिट्टी एंटीसोल है, बी सही है। राजस्थान के कौन से जिले में खस घास उत्पादित किया जाता है, सुगंधित घास है, स्वाई माधोपुर में, एक जिला बताना हो तो स्वाई माधोपुर, नहीं तो भरतपुर टोंक वाला भी कनेक्ट कर लीजिए, डी सही है। राजस्थान की बोली और उनके क्षेत्र का जोड़ा दे रखा है, जो गलत है उसकी पहचान करो, टोंक में ढूंढाड़ी बोलते हैं क्या, टोंक में ढूंढाड़ी बोलते हैं, सही है। पाली में वागड़ी बोलते हैं क्या, नहीं, वागड़ी डूंगपुर बांसवाड़ा बोलते हैं, भी बताई थी। बारा में हड़ौती बोलते हैं, करौली में मेवाती बोलते हैं, तो गलत क्या है, बी गलत है। पृथ्वीराज विजय के लेखक कौन है, चंद्रबरदाई ने लिखा था पृथ्वीराज विजय ग्रंथ, पृथ्वीराज चौहान तीर्थ के टाइम पे। राजस्थान की साहित्य की कौन सी श्रेणी कहानी या कथा विद्या से संबंधित, बात वात, वात है, बात नहीं है ये, वात है, ठीक है, वात है, तो राइट आंसर आपका एक है। इनमें से कौन सा कारण राजस्थान में मरुस्थलीकरण का नहीं है, कौन सा ऐसा कारण है जो मरुस्थलीकरण को बढ़ावा नहीं देता, अतिचारण से तो होता है, वन अनुमूलन से या शहरीकरण से, अनुचित मृदा जल प्रबंधन से, तो कौन सा नहीं होता, शहरीकरण से या वन अनुमूलन से या फिर अतिचारण से, तो शहरीकरण से,
राइट आंसर सी, इसमें सी है। ये नहीं होता तो बी वाला ऑप्शन सही हो जाता, अगर शहरीकरण ऑप्शन में नहीं होता तो वन अनुमूलन वाला हो जाता, तो यहां पर सी है वो सही है। तो राजस्थान में बेरिलियम उत्पादक के दो प्रमुख जिले, बेरिलियम का उत्पादन जो होता है वो होता है उदयपुर में और जयपुर में, एक सही है। राजस्थान में झमर कोटड़ा क्यों प्रसिद्ध है, ये रोक फास्फेट के लिए, झमर कोटड़ा उदयपुर में है। अच्छा एक और, तो झमर कोटड़ा के लिए जैसलमेर की कौन सी जगह प्रसिद्ध है, आया हुआ क्वेश्चन है कमेंट करके बताओ, झमर कोटड़ा खनिज के लिए जैसलमेर की कौन सी जगह प्रसिद्ध है। लार निम्नलिखित में से किसके पाचन में सहयोग करती है, लार जो है वो स्टार्च के पाचन में सहयोग करती है, एक सही है। और भारत में पास की असंतुलन का लिखित में कौन सा प्रमुख कारण है, भारत में तो लिखित कारण वन अनुमूलन है जो मैन कारण, जो लिखित का जो प्रमुख कारण आता है, एक सही है। इनमें से कौन सा अरावली का उन्नतम शिखर है, चार ऑप्शन दे रखे हैं, वैसे तो गुरु शिखर है, इनमें से जो है वो कुंभलगढ़ जो है वो सबसे ज्यादा ऊंचा है, कुंभलगढ़ राइट आंसर सी है। लास्ट क्वेश्चन, आंसर देने से पहले पहले लाइक कर दो, अगर आपको पसंद आती है इस सीरीज को हम कंटिन्यू रखेंगे। राजस्थान के किस प्रदेश में बीड मिलते हैं, तो चंबल नदी बेसिन में बीड भूमि सर्वाधिक है, राइट आंसर डी है। तो चलिए ये थे 51 क्वेश्चन, कितने सही किए कमेंट करके बताओ, लाइक कर दो, शेयर कर दो और सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो। PDF मिलेगी टेलीग्राम पर जिसका लिंक है प्रहलाद आंसर के नाम से, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी है तो वो भी ज्वाइन कर सकते हो, एग्जाम ऐप डाउनलोड नहीं किया तो वो भी कर लीजिएगा। राइट, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू सो मच।